जैसे कि आप जानते हैं कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने स्टारर फिल्म फाइटर को बहुत बड़े बजट से बनाया गया है और उसके बावजूद भी ये फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास अच्छी नहीं चली। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान को भी डायरेक्ट किया था और कुछ समय से इनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। फाइटर फिल्म को डायरेक्ट करने का मौका इन्हें मिला और दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन जैसी फ्रेश जोड़ी भी इन्हें मिली और उसके बावजूद भी ये फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास अच्छी कलेक्शन नहीं कर पाई। जबकि इस फिल्म को बनाने में भारी भरकम पैसा लगा है और वो पैसा भी फिल्म के मेकर्स रिकवर नहीं कर पाए और वो भी डूब गया है। और साथ ही इस समय फिल्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा खस्ता हालत में चल रही है, जहां एक तरफ ऑडियंस अच्छी फिल्में देखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ अच्छी फिल्में बनाने के लिए मेकर्स के पास बजट नहीं है और वो भी तब जब एक डायरेक्टर इस तरीके से पैसा बहाता है। और इसीलिए तो एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ आनंद से यही सवाल पूछा जा रहा है, आखिर उनकी फिल्म फाइटर के कलेक्शन इतना कम क्यों हुए, आखिर क्यों फाइटर फिल्म फ्लॉप हुई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ आनंद जो कि एक फिल्म मेकर है और अपनी बनाई गई फिल्म में वो अपना जरा सा भी नुक तो नहीं निकालेंगे और यही एक वजह है कि फाइटर फिल्म का फ्लॉप होने का जो वजह इन्होंने बताया ना, ये सुनकर आप भी शॉक रह जाएंगे और शायद उन्होंने इसी अजीबोगरीब तुख के ऊपर ही ये फिल्म बनाया है। दरअसल उन्होंने कहा कि फाइटर फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि भारत के 90% लोग प्लेन में ट्रैवल नहीं करते। उनका कहने का मतलब है कि इंडियंस लोग ज्यादा प्लेन नहीं उड़ाते हैं, जिसके चलते ये फिल्म फ्लॉप हुई है। मतलब कि ऐसा लॉजिक दो कि सोच भी सोच में पड़ जाए और कहे कि भाई क्या सोचा है। और अब सिद्धार्थ आनंद को लोग सोशल मीडिया में बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट देकर सिद्धार्थ आनंद कुछ ऐसे फंसे हैं कि अब उन पर ही मोई मोई गाना बज रहा है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि फाइटर फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि भारत में 90% लोग प्लेन नहीं उड़ाते हैं, तो क्या मर्डर फिल्म इसलिए हिट हुई है क्योंकि भारत के 90% लोग मर्डर करते हैं। अब इसके बाद से तो भैया एकदम मीम्स की झड़ी लग गई है कि बारहवीं फेल मूवी इसलिए हिट हुई है क्योंकि भारत के 90% लोग बारहवीं फेल होते हैं। वही एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि 100% इंडियंस ने एलियन नहीं देखा है, उसके बावजूद भी क्यों कोई मिल गया फिल्म हिट हो गई। किसी ने कमेंट करते हुए लिखा कि दंगल इसलिए हिट हुई है क्योंकि भारत के 90% लोग कुश्ती करते हैं और अब लोग उन्हें तरह तरह की फिल्मों का एग्जांपल दे देकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और अब लोग सोशल मीडिया में सिद्धार्थ आनंद के स्टेटमेंट पर जम के मजे ले रहे हैं। वैसे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।